नतमस्तक हूँ मैं 84,499 मतदाताओं के प्रति। पूरे नैतिक भाव से मैं आपको प्रणाम धन्यवाद करता हूँ। सभी कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति जो यहाँ विराजमान है, चुनाव के प्रारंभ से अंत तक एक ही बात हम सबने कही थी, मैंने कही थी, मुझे याद है। अक्षर शह हर शब्द मुझे, हर गांव का हर क्षण मुझे याद है। मैंने ये कहा था, ये चुनाव मैं का नहीं है, हम का है। ये सरकार मेरी नहीं, आपकी है, और आपने अपना समझ के चुनाव लड़ा। मैं हर एक कार्यकर्ता, हर एक बूथ अध्यक्ष, हर एक बूथ एजेंट, हर एक सेक्टर प्रभारी, पूरी सेक्टर टीम, हर मंडल अध्यक्ष, हर मंडल का कार्यकर्ता, हमारा अजा अजजा अल्पसंख्यक ओबीसी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस महिला कांग्रेस सेवा दल, तमाम जितने भी लोग मुझे आज मिले, सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, नतमस्तक हूँ, आभारी हूँ, सदैव रहूँ। बहुत सी बातें आपने कही पिछले जब मतदान हुआ 28 को सुबह सुबह, बीच में मेरी तबीयत खराब थी, कई अफवाहें भी उड़ी बंदार में, आपने कहा गया कि साहब कोई कह रहा है कि आप तो अस्पताल में भर्ती हो गए, हमारे भी चले थे। मैं तो घूम रहा था कहीं नागदा में, कहीं पलवाड़ा में, कहीं जनसंपर्क किया। मेरे ख्याल से इससे अच्छा चुनाव हमारे कार्यकर्ता ने आज तक नहीं लड़ा होगा, चाहे दीपक की बात हो, मनोज की बात हो, जितेंद्र की बात हो, किसी की भी, दूर से दूर गांव में, चाहे हमारा चंपू हो कहीं, चाहे हमारा प्रकाश सरपंच हो, चाहे धना सरपंच हो, जो वो गाड़ी में बैठ के प्रचार कर रहा है, एक एक छोटे छोटे बच्चे 8 साल 9 साल 10 11 साल बालिकाएं, नन्नी नन्नी बच्चे, हमारे रजू भाई साहब खड़े मुझसे बहुत बड़े, मेरे पिताजी के साथ, इनको जवानी आ गई, बायपास करा चुके, यूं घर से नहीं निकलते, नई गाड़ी खरीद लाए, इनके बच्चे बोल बोल के थक गए, लाओ 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 फट से ले, ये जज्बा, इसका कोई मोल नहीं, इसका कोई, इसमें कोई विज्ञान भी नहीं चलता, इसमें कोई अर्थ भी नहीं चलता, सिर्फ भाव चलता। मैं सदैव के लिए आप कर रहा हूं, पहले भी रहा, मेरे पिता तो दान दे गए थे मुझे, आप जीते जी दे गए, बाप का कहा बेटा टालता नहीं, मैं भी नहीं टालूंगा, वो भी यही मरे, मैं भी यही मरूंगा, लेकिन दो शब्द मुझे याद है, मैंने चुनाव में बहुत सी सभा में कहे कि वो कहा करते थे, अपना हक नहीं छोड़ते, बात ये नहीं है, मैंने चुनाव में भी कहा, चुनाव में भी ये कहता था, ये प्रश्न नहीं है चुनाव का कि राजवर्धन सिंह दत्ती का विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा, आपने तो मुझे बचपन में ही बना दिया, हर सवाल में, और मैंने ये भी कहा था आपका, बड़े नेता क्या कह गए बड़े नेता जाने, लेकिन मैं अपनी जबान नहीं छोड़ता, मैं थूक के नहीं जाता, मेरे खून में नहीं दोगला, क्या लालच, मेरे पूर्वजों ने, परिवार ने तो सर्वस्व मिटा दिया, देश के ऊपर मिट गए, हमने राज छोड़ दिए, 1890 में 35,000 कलदार आते थे हमारे पास, 35,000 कलदार, सत्तार सिंह की फांसी पे झूल गए, सगे भाई हैं दत्ती गांव में, सगे भाई, मेरे परदादा को देश निकाला हुआ क्यों, तो तूने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, जोधपुर में मरे जाके वो आज भी जसवंत थड़ेपुर की क्षत्रिय बनी हुई, मेरे पिताजी आजीवन आपकी सेवा कांग्रेस के, कानून, मैंने तो उनका शव भी नहीं देखा, कब उठाया कमल सिंह जी ने जाके, गोपाल सिंह जी ने जाके, मैंने तो देखा भी नहीं किस अवस्था में, मैं जब घर पे बैठे थे सजीव थे, वैसे विश्वास नहीं, आप सब की बात काफी हद तक सही, बात ये नहीं है कि
रत्ती गांव को क्या मिला ना मिला। अपमान यह है बदनावर के 84,499 मतदाताओं का। कभी पूछ रहे थे सब क्यों नहीं बनाया गया, मैं भी सोच रहा हूं लेकिन कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आई, शायद इसलिए नहीं बनाया गया कि मैं किसी पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का बेटा नहीं था। ये उमंग सिंगार भतीजे थे पूर्व उप मुख्यमंत्री के, सचिन यादव बेटे थे पूर्व मुख्यमंत्री के, जयवर्धन सिंह बेटे थे पूर्व उप मुख्यमंत्री के, हनी बघेल बेटे थे पूर्व कैबिनेट मंत्री के। मेरे पिताजी साधारण आपके साथ के कार्यकर्ता थे जो संघर्ष करते जीते मरते आपके साथ ही चले गए। शायद ये दोष था हमारा कि हमारा परिवार मरमिटा पार्टी के लिए देश के लिए बलिदान न्योछावर कर दिया। शायद ये दोष था कि ईमानदारी से हमने काम किया। लेकिन फिर ये भी कहते थे मेरे पिताजी, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक लड़ेंगे जो घटनाओं पर। हार का तो सवाल ही नहीं। मैं सहमत हूं आप सबकी बात, जुलूस तो तभी निकलेगा जो आपका हक आपको मिलना है मिलेगा। आपकी सबकी भावना के अनुसार, क्योंकि एहसान है मुझ पे, महाराज ज्योतिराज संध्या का टिकट दिलाया उन्होंने मुझे, एहसान बाकी नहीं रखना किसी का, ये मेरे पिताजी कह गए थे। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा आपको धन्यवाद दे रहा हूं। आप कैसे किसी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। राजवर्धन सिंह दत्ती का अपना इस्तीफा लिख के ज्योतिराज सिंधिया के घर रखाएगा। बहुत अच्छे एहसान था, एहसान बकाया नहीं रखूंगा। एक विधायक ही नहीं, एक लाख विधायक की की जरूरत है। यह हिसाब किताब हम दोनों के बीच का है, मैं निपटा दूं। और सेनापति पहले मरता है, सेना को खरोश नहीं आने देता है। कोई गिरेगा तो मैं, लहू गिरेगा तो मेरा, ये मेरा कर्तव्य है। लालत है मुझ पे, मेरे खून पे रगों में है। बख्तावर सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव का कोई दोगला नहीं, क्यों खरोश आने दूं मैं, क्यों करने दो एक सर, क्यों पुकते दो एक आंख, मर गया हूं क्या। पहली गोली सेनापति खाता है, इस्तीफा जाएगा तो किसी का नहीं, राजवर्धन सिंह का जाएगा। क्या रखा है विधायक की, क्या रखा है सरकार में, सत्ता में, मंत्री में, बात ये नहीं, बात अन्याय और अन्याय की है, बात सही और गलत की है। और मैं खुद के साथ न्याय नहीं कर सका तो मैं आपके साथ क्या न्याय करूं। और मेरी बात नहीं है, मैं तो है ही नहीं, बात है इस बहुमत की, इस मतदान की, सही गलत की, योग्य अयोग्य की, पात्र की। क्या वंशवाद, पूंजीवाद, जातिवाद ही हमारे देश में हावी रहेगा, कि हम हजारों वर्ष पहले चले जाएंगे। अभी तो आगे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ेंगे। एक एक आदिवासी, एक एक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, हर एक आदमी ने मेरा साथ दिया, हर एक आदमी, इतिहास गवाह है। कोई एक आदमी आगे नहीं बढ़ता जब तक तो पूरा